यह मोती झील पहले बहुत ज़्यादा वाइड थी, लेकिन अब ये कंप्रेस हो चुकी है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के स्पष्टीकरण को देने से पहले हमें यहाँ के जियोग्राफिकल चेंजेस को भी कंसिडर करना होगा, और साथ ही मैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि वो इस मोती झील के बारे में क्या क्या जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये शामली रोड है, पानीपत कटीमा राजमार्ग है, और ये जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये है शहीद प्रशांत शर्मा सेतु, जो कि मोती झील पर बना हुआ है। और यहाँ पे आप मेरे लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको नज़र आ जाती है मोती झील, मोती झील जिसे आजकल हमारे शहर में एक नया नाम दिया गया है, ब्लैक होल बोला जाता है इसको। तो इसके ब्लैक होल होने का क्या कारण है, क्यों इसको ब्लैक होल बोला जाता है, और इसका क्या हिस्ट्री ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है मुजफ्फरनगर के अंदर, आइए सब विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। आ चुका हूँ यहाँ की स्थानीय खेती करने वाले किसानों के पास, जो यहाँ पर हरी मिर्च की खेती करते हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला है। एक दो महिलाओं ने बताया है, जो भी यहाँ पर दुर्घटना हुई है उससे रिलेटेड बात बताई है, बताया है कि नदी में जब बरसात के दिनों में जब बरसात आती है, बारिश आती है, तो पर्दाफाश जो है मोती झील है इसका पानी ऊपर तक आ जाता है, सरफेस तक आ जाता है। तो इससे कोई खास स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करेंगे आने वाले जब वीडियो को आप आगे देखोगे, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। तुम जो हाँ जी, हम मेरा तो यहाँ पर बरसात में पानी आ जा, हम पानी पानी हो जा, पर्दाफाश का पानी। हाँ। कहाँ का पानी आता है, काली नदी का पर्दाफाश का? पर्दाफाश में से पानी ऊपर आने लगता है। पानी सारा आ जा उसका भाई, यहाँ से पर्दाफाश के पास में हम खेती में रहते हैं, इसमें पानी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पानी सारे खेती में ऊपर बहुत दूर लो फैलता है, तो बरसात के मौसम में आता है, वैसे पानी नहीं आता। ये जो तालाब है ना, ये वाला, ये पहले बहुत गहरा था और बड़ा भी बहुत था। कितना बड़ा था, वो दूसरा वाला पुल है ना, पुल, उसके पुल के नीचे तक था ये तालाब। अभी दूसरा पुल भी खड़ा हो गया, और इसकी ये जो सड़क बनकर आई है, इस सड़क पे जो मेन गहराई थी तो ये सड़क थी, अभी ये अट गई तो समझो ये भी अट गया। अब इसमें कहीं कहीं गहरा पानी है, नहीं तो सब जगह पतला पानी है। तो जो पर्दाफाश कहते हैं, जो एक बना हुआ है पिछले कई सालों से कि ये पर्दाफाश है, तो ये वो चीज बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है, झुटला चुके हैं उस चीज को? नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते झुटला सके हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये कम से कम 90% खत्म मानो आप। अच्छा 90%, तो मतलब यदि कोई इसको तैर के पार करना चाहे तो कर सकता है? बिल्कुल कर देगा, लेकिन जो तैरना जानता हो वो कर सके, जिस पे तैरना नहीं आए वो बिल्कुल ना घुसे, पानी गहरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर, और मैं वेलकम ज़्यादा करता हूँ अपने चैनल पर आप लोगों का, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल भूल ही गए हो, करते ही नहीं हो यार, इतनी मेहनत करते हम लोग, धूप में खड़े हुए हैं। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मोती झील। मोती झील मुजफ्फरनगर में शामली रोड पर स्थित शहीद प्रशांत शर्मा सेतु के पास लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पर मौजूद है। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसको ना आजकल कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोगों ने एक मिथ बना दिया है, इसको ब्लैक होल बोला जा रहा है। ठीक है, जब तक साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट नहीं होती हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे स्थानीय लोगों से बात की है तो पता लगा है कि इसका अस्तित्व पहले से अब बहुत ज़्यादा अब सिकुड़ चुका है, कंप्रेस हो गया है। पहले ये मोती झील इस नए पुल से पहले वाला पुल जो इसके बराबर में जस्ट बगल में राइट हैंड पर पुराना पुल है, वहाँ तक इसका अस्तित्व था, और अब ये मोती झील सिमट कर इतनी हो चुकी है।
और इसका जो स्थानीय लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं अब इसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म होता जा रहा है। और रही बात गहराई की, तो गहराई तो हम जब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कोई साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर लागू नहीं होती है या वैज्ञानिक अपनी शोध को कंप्लीट करके ये ना बता पाएँ कि ये कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे इसका अस्तित्व है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको पर्दाफाश या हमारी मोती झील को हमारे पौराणिक कथाओं में महाभारत से भी सम्मिलित किया गया है, महाभारत की कथाओं से भी इसको जोड़ा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन ने बाल्यावस्था में भीष्म को जहर देकर, जहर वाला कुछ समथिंग उसको पिलाया था, तो एक नदी में धक्का दे दिया था, जो बताया जाता है जिसका रास्ता पाताल लोक में जाता है, पाताल लोक जो हमारे हिंदू धर्म में नागलोक के नाम से भी जाना जाता है। तो जब नागलोक से भीष्म वापस आए थे तो यही वो मोती झील थी जहाँ से भीष्म इस मोती झील से उस समय पाताल लोक यानी कि नागलोक से बाहर निकल के आए थे। तो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ये मोती झील महाभारत से भी जुड़ी हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना एक असंभव है, ये अपवाद की बात है, लेकिन मोती झील आपके सामने है। मेरा नाम है स्वराज दीक्षित और मैं आपको बता रहा था कि हमारे शहर में पर्दाफाश की सच्चाई, इस ब्लैक होल की सच्चाई क्या है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अपने भी कड़वे अनुभव रहे हैं। इस झील में स्थानीय निवासियों के द्वारा बताया गया है, इस झील में बस के बस, ट्रक के ट्रक, बच्चे, बूढ़े, जवान, कई लोग समा चुके हैं, कुछ लोग मिले हैं, कुछ लोग नहीं मिले हैं। और स्थानीय लोगों के हिसाब से एक बात ये भी कही जाती है कि यहाँ पर हर 10वें दिन से 8 से 10 दिन के अंदर कोई ना कोई शख्स अपना सुसाइड करने के लिए यहाँ पे आता रहता है। तो मैं तो इसे एक सुसाइड पॉइंट बोलूँगा। और सच बात है, हम लोगों को तनाव टेंशन दूर करनी चाहिए और ज़िंदगी में कभी गिवअप नहीं करना चाहिए, चाहे समस्याएँ कितनी भी कठिन हो। तो ये था हमारा पर्दाफाश, इसकी सच्चता पौराणिक कथाओं से जोड़ी गई है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अपवाद का विषय है, लेकिन हाँ, इसकी एक बार इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, कहाँ से कनेक्ट होता है ये समुद्र में, कहाँ जा रहा है, काले सागर में जा रहा है, हिंद महासागर में जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए। और हम अपील यही करेंगे कि भारत सरकार जल्द से जल्द इसकी गहराई करवाए और इसे एक नए पर्यटन के रूप में, जिससे हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो, विदेशों से नया पैसा आए, रेवेन्यू जनरेट हो, विदेशों से लोग इसे देखने आए, इसको थोड़ा सा हम साफ सफाई, स्वच्छ व्यवस्था करने की कृपा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, गर्मी में भी अभी यहाँ खड़े हुए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग। बाय बाय।